नमस्कार, मैं ओशी साहू और आप देख रहे हैं AFC टुडे न्यूज। कोरोना वायरस का प्रभाव अब आर्थिक रूप से हर व्यक्ति पर दिखने लगा है। जब हमारी टीम मलिहाबाद माल पहुंची, जहां पर आम का सबसे बड़ा व्यवसाय होता है, देश और विदेशों में आम का सप्लाई किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ नर्सरी का भी व्यवसाय देखने को मिलता है। लेकिन दुखी बात यह है कि आज वो पूरा व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। पौधे सूखते जा रहे हैं क्योंकि उस पर पानी डालने वाला कोई नहीं है। नर्सरी के व्यवसाय की प्रतिदिन की आमदनी 10 से 15 हज़ार हुआ करती थी, आज उस नर्सरी की जो आमदनी है, उस नर्सरी की आमदनी कुछ नहीं रह गई है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। एक दिन में कितनी पूरी बिक्री होती थी पहले? पहले हो जाती रहा 10 हज़ार की, हो जाए 5 हज़ार की, हो जाए यह इतना हो जाती रहा। और अब आपको पैसे की नहीं, एक रुपया की नहीं। तो ये क्या पौधा जला रही है, क्या कर रही हैं आप? ये अब का किया जाए, जब खराब हो रहा, सूख रहा है, ना कोई पानी डालने वाला है, ना कोई है, तो और का किया जाए। अब डरन मारे यहाँ कोई रहती है नहीं कि पानी पत्ता डाल रहे और कुछ करे। वहीं जब हमारी टीम आगे बढ़ी तो हमने मुर्गी पालन केंद्र का व्यवसाय देखा, जो कि पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ था। कोरोना के चलते लोगों ने मांस मछली का सेवन करना बंद कर दिया था, जहां पर 180 से 200 रुपए प्रति किलो मुर्गियां बिक रही थी, आज वही मुर्गियां 20 से 25 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। और एक समय ये भी आया जब लोगों ने मुफ्त में भी मुर्गियों को लेने से साफ मना कर दिया। पालन केंद्रों को अपने दिल पे पत्थर रखते हुए उन मुर्गियों को मारकर ज़मीन पर दफनाना पड़ा। इससे उन्हें बहुत ही हानि हुई है। आइए चलते हैं और देखते हैं इस पे खास रिपोर्ट। मुर्गी की फसल होती थी हमारी, इस फसल में कितना नुकसान हुआ आपको? कम से कम 4 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। कोरोना की वजह से हुआ है, जिसमें आदमी खाना बंद कर दिया, इसीलिए नुकसान हो गया। करवा दिए 20 रुपये पीस, 30 रुपये पीस बिका है। अभी की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें AFC टुडे न्यूज़।